आमिर शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स के करियर पर करो या मरो जैसी स्थिति आ गई है, और किन किन बॉलीवुड स्टार्स पर लटक रही है ये तलवार? क्या अभी भी आमिर खान को ये बातें डराती हैं, और क्यों घबराते हैं इन बातों से आमिर खान? क्यों आमिर खान ने अर्जेंटली बुला लिया पंकज त्रिपाठी को, और क्या पंकज त्रिपाठी गए थे उनके लिए? हेलो गाइस, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं की बात आज इस वीडियो में होगी। यहाँ पर वो सारी बातें होने जा रही हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी होगी तो इतनी डिटेलिंग में कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आमिर खान के फ़ैन हैं और या नहीं भी हैं तो आज आपको आमिर खान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आजकल 12th स्टूडेंट्स का जो हाल है ना, उनके दिल में दुख 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 हुआ करता है कि यार बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, तैयारी करनी है, प्रेशर काफ़ी है, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, और वो भगवान घर वाले क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार्स, जिनके सर पर तलवार लटकी हुई है। अगर उन्होंने अच्छी फिल्में नहीं की 2021 में तो उनका करियर ठप हो जाएगा। तो कौन कौन है वो बॉलीवुड सितारे जिनके ऊपर लटकी हैं ये तलवारें, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बॉलीवुड के बादशाह, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की। 2018 में शाहरुख खान की जीरो आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी लगभग जीरो ही की थी, और उसके बाद शाहरुख खान के करियर को बैक सीट लग गई और तब से उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। लेकिन फिर से वो एक बार 2021 में उठ खड़े हुए हैं पठान से। आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी दिखाई देंगे, यानी कि ये दो कलाकारों पे तो इतना प्रेशर नहीं है जितना प्रेशर शाहरुख खान के ऊपर है। क्योंकि अगर ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर नहीं खरी उतरी तो बहुत सारे एंडोर्समेंट्स, बहुत सारी फिल्में निर्देशन मेकर उनसे दूरी बना सकते हैं। तो शाहरुख खान के लिए ये फिल्म करो या मरो जैसी हो गई है। आगे चलते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा के सुपरस्टार आमिर खान की। आमिर खान ने भी 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दी थी बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म ने कमाई तो की थी, लेकिन बहुत सारे ट्रोल्स भी कमाए थे। और आपको बता दूं कि इस फिल्म के ग्राफिक्स तो अपने इंडियन इकोनॉमी से भी नीचे थे। इसी वजह से आमिर खान के लिए भी 2021 काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि 2018 के बाद से आमिर खान की एक भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, और आमिर खान अपने परफेक्शनिज्म के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लाल सिंह चड्ढा के बाद उनकी बहुत सारी फिल्में भी बहुत टाइम के बाद ही आएंगी, बैक टू बैक रिलीज़ नहीं है। इसलिए आमिर खान के लिए भी ये साल करो या मरो जैसा हो गया है। तो कलाकारों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मैं आपको चुनिंदा एक्टर्स बताऊंगी जिनके लिए 2021 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें विकी कौशल, कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आता है। ये दोनों ही कलाकार इस वक्त बॉलीवुड के बड़े दिग्गज कलाकार बन चुके हैं, लेकिन इनकी गाड़ी अभी पटरी से थोड़ा सा उतर सी गई है। इन्होंने हिट फिल्में तो दी हैं, लेकिन इनकी फ्लॉप फिल्में भी काफी आई हैं। यानी कि 2021 ये सारे कलाकारों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बाकी ये सारे कलाकार तो काफ़ी प्रेशर में हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि इन सारे कलाकारों में किसके लिए 2021 सबसे बेहतरीन होने वाला है? आप अपनी राय, अपना प्रिडिक्शन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे आमिर खान की लाइफ की तरफ, कि आमिर खान को कौन सी एक ऐसी बात डराती है, उनकी पर्सनल लाइफ से क्या सबसे बड़ा खुलासा है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको बता दूं कि आमिर खान जो कि 21 साल के थे, उन्होंने रीना जो कि 20 साल की थी उनके घर से उनको भगा लिया था। ये लव स्टोरी 15 साल तक चलती रही, लेकिन इसका दी एंड हो गया जब आमिर किरण राव से मिले। लेकिन आमिर का रिश्ता रीना से भी अच्छा बना हुआ है, उनके साथ उनके दो बच्चे हैं जो कि जुनैद और इरा हैं। ये दोनों भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बाकी आमिर खान की तो पर्सनल लाइफ है, वो हर चीज़ प्राइवेट रखते हैं। लेकिन आगे चलते हैं जो कि प्राइवेट नहीं, पब्लिक है। आमिर खान ने ऐसा क्या कहा पंकज त्रिपाठी से कि पंकज त्रिपाठी एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गए? और सिर्फ मैं और आप ही पंकज त्रिपाठी के फैन नहीं हैं, आमिर खान भी उनके फैन हो गए हैं। आमिर खान ने पंकज त्रिपाठी का काम देखा और उनको फ़ोन करके फौरन ही बताया कि मुझे ये काम काफ़ी अच्छा लगा, और पंकज त्रिपाठी एकदम सटपटा गए कि आमिर खान ने उनको कॉल किया है, और उन्होंने उनको घर भी बुलाया।
वैसे यार मुझे लगता था कि ये सारे ही एक्टर्स काफी घमंडी होते हैं, लेकिन आमिर खान तो इन सारी बातों में भी काफी अमीर हैं। लोगों का दिल जीतना तो कोई इनसे सीखे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी बातें। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर देते हैं।